दोस्तों वाले एंजल्स यूनिवर्स में बहुत ही पावरफुल होते हैं, पर दोस्तों इनका कुछ रूल्स भी होता है जिनको कि ये लोग फॉलो करते ही करते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्ट्रेंज रूल्स और चीजों के बारे में जो कि दोस्तों एंजल्स फॉलो करते ही करते हैं। Why, you'll all be done away with at the same time, except for the angels, naturally. दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों ड्रैगन बॉल का हर फैंस ये जरूर जानता है कि ड्रैगन बॉल में एंजल्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, एंजल्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि दोस्तों एंजल्स ही होते हैं जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ट्रेन करते हैं और उनको इस लायक बनाते हैं कि वो सबका सामना बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। इससे आप ये जरूर सोच सकते हैं कि एंजल्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पर दोस्तों एंजल्स पावरफुल तो होते हैं, पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि इनका कुछ रूल नहीं होता, बल्कि दोस्तों इनका कुछ रूल्स भी होता है जिनको कि दोस्तों ये लोग फॉलो करते ही करते हैं। तो दोस्तों इसी के वजह से इस वीडियो में हम एंजल्स के कुछ स्ट्रेंज रूल्स और इनके कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, लव। दोस्तों क्या आपको पता है कि एंजल्स कभी भी अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ लव यानी प्यार में नहीं पड़ सकते हैं। भले एक बार के लिए यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमॉन्ट और उसका एंजल मार्गरिटा दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब हो चुके थे, पर दोस्तों बाद में अकिरा टोरियामा खुद ये चीज को कंफर्म किए थे कि कभी भी एंजल्स अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ प्यार में नहीं पड़ सकते हैं यानी लव में नहीं पड़ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि एंजल्स ज़ेनो से ही ऑरा लेते हैं, और दोस्तों ज़ेनो कभी भी रोमांस के लिए अलाउ नहीं करता है। नंबर 9, सर्विंग यानी सेवा। दोस्तों यहाँ कई सारे एंजल्स है जिसमें दोस्तों हमें कई सारे कमन चीज देखने को मिल जाते हैं, पर उनमें से कोई ना कोई जरूर हायर रैंकिंग में डेफिनेटली होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पता ही होगा कि ग्रैंड मिनिस्टर ही सभी एंजल्स का फादर है, और दोस्तों इसी के हिसाब से एंजल्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि दोस्तों ग्रैंड मिनिस्टर ज़ेनो का कई सालों से सर्व करते आया है यानी सेवा करते आया है, वैसे ही दोस्तों एंजल्स को भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सर्व करना होता है यानी सेवा करना होता है। हमें दोस्तों पता है कि आपको एंजल्स का ये चीज डेफिनेटली पता होगा, पर दोस्तों ये चीज किस तरह से रिलेटेड हो रहा है ये पॉइंट में ये चीज हम बताने का ट्राई किए हैं। नंबर 8, रिवाइव। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी में एंजल्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और इनके पास बहुत सारे टाइप्स का पावर्स भी होता है, और दोस्तों इसके अलावा एंजल्स रिवाइव करने का भी पावर रखते हैं। एंजल्स कैरेक्टर्स को रिवाइव कर सकते हैं जो कि दोस्तों बैटल से बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों इनका कुछ कुछ लिमिटेशन भी होता है। एंजल्स वो कैरेक्टर को रिवाइव नहीं कर सकते जो कि दोस्तों एक डीमन यानी राक्षस के द्वारा मारा गया हो। और दोस्तों देखा जाए तो एंजल्स के पावर में भी हमें कुछ कुछ लिमिटेशन देखने को मिल जाते हैं। नंबर 7, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि एंजल्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एंजल्स का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ट्रेन करे और उनको सभी चीज सामना करने का लायक बनाए। पर दोस्तों कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से एंजल्स को भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर रोक टोक करना पड़ता ही पड़ता है, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंडीशन के हिसाब से एंजल्स के द्वारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लाइन में रखना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय करने में माहिर होते हैं, पर दोस्तों एंजल्स को कभी कभी कंडीशन के हिसाब से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर लिमिट लगाना पड़ता है। अब इस बार 6 पे आता है इरेस्ट। दोस्तों ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में मरने का कई सारा तरीका है, पर दोस्तों एंजल्स को मारना लगभग इम्पॉसिबल होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम टूर्नामेंट ऑफ पावर के समय का बात करें तो दोस्तों ज़ेनो कुछ हारी हुई यूनिवर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर दोस्तों यहाँ उन यूनिवर्स के एंजल्स को कुछ भी नहीं हुआ था। जहाँ तक कि दोस्तों यूनिवर्स 9 का एंजल मोजिटो अपना यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने के ऊपर स्माइल किया था, इससे दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि एंजल्स का मरना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एंजल्स का अपना यूनिवर्स से कुछ रिलेटेड नहीं होता है। नंबर 5, सोना यानी स्लीप। दोस्तों भले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सो सकते हैं, पर एंजल्स कभी भी नहीं सोते हैं। यहाँ पर दोस्तों भले एंजल्स खाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए या तो ज्यादा खा भी ले, पर दोस्तों कोई भी एंजल्स को सोने का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम ज्यादा करके यही जानते हैं कि दोस्तों बहुत ही पावरफुल विंग ज्यादा सोते हैं। जैसे कि दोस्तों आप बीरस को देख सकते हैं, बीरस सोने में बहुत ही अच्छा माहिर है, पर दोस्तों यहाँ पर एंजल्स बहुत ही पावरफुल होते हुए भी वो बहुत ही ज्यादा सोना प्रीफर नहीं करते हैं। और दोस्तों भले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सालों से बहुत ही समय तक सोता रहे, पर दोस्तों एंजल्स कभी भी नहीं सोते हैं। नंबर 4, हेलोस।
दोस्तों अभी आपके दिमाग में ये आया होगा कि हैलोस होता क्या है। तो दोस्तों हैलोस एक लाइटनिंग रिंग जैसा होता है जो कि दोस्तों ज्यादातर सेंट यानी होली पर्सन के सर के ऊपर ही होता है। अब दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि लोअर केस वाले एंजल के सर के ऊपर हैलोस होता है, पर दोस्तों ज्यादा पावरफुल वाले एंजल में हमें हैलोस देखने को मिल जाते हैं, पर दोस्तों उनका हैलोस गले में ही होता है। यहाँ पर दोस्तों आप एग्जांपल के तौर पर विज का हैलोस को देख सकते हैं। और दोस्तों सर के ऊपर जिनका हैलोस होता है वो लोअर केस वाले एंजल होते हैं, और दोस्तों उनका हैलोस गोल्डन कलर का होता है क्योंकि दोस्तों पावरफुल एंजल का हैलोस ब्लू कलर में होता है। अभी नंबर 3 पे आता है नेम्स। दोस्तों आपको भी पता होगा कि सेंस का नाम वेजिटेबल के ऊपर बेस करके रखा जाता है, वैसे ही दोस्तों एंजल्स का नाम अल्कोहलिक चीज के ऊपर बेस करके रखा जाता है। जैसे कि दोस्तों यूनिवर्स 1 का एंजल का नाम अबोमो है, यहाँ पर दोस्तों ये नाम को अलामो वोर्का के ऊपर बेस करके बनाया गया है। वैसे दोस्तों यूनिवर्स 2 का एंजल का नाम सोर है, और दोस्तों ये नाम को वैरायटी ऑफ स्वर मिक्स ड्रिंक के ऊपर बेस करके बनाया गया है। और फिर दोस्तों यूनिवर्स 3 का एंजल का नाम कैंपरी है, और ये नाम को कैंपरी लिक्विड के ऊपर बेस करके बनाया गया है। और दोस्तों एंड में अगर हम विस्क का देखते हैं तो उसका नाम विस्की के ऊपर बेस करके बनाया गया है। इसी तरह से दोस्तों सभी एंजल्स का नाम ड्रिंक के ब्रांड के ऊपर बेस करके बनाया गया है। अब इस पर 2 पे आता है इमोशन। दोस्तों हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एंजल अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ लव में नहीं पड़ सकते, यानी प्यार में नहीं पड़ सकते। वैसे दोस्तों मैक्सिमम जगह पर एंजल्स में इमोशन का कमी बहुत ही कम नजर आता है। जैसे कि दोस्तों टूर्नामेंट पावर में पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा था, पर एंजल्स का इनके ऊपर कोई भी केयर नहीं था। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, पर इनके ऊपर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला था, यानी दोस्तों ये अपने इमोशन को नहीं दिखाए थे। पर दोस्तों ये रूल में कुछ एक्सपेक्टेशन भी है, पर दोस्तों कभी कभी रेयर केस में एंजल्स के फेस में इमोशन हमें देखने को मिल जाते हैं। फाइनल दोस्तों नंबर 1 पे आता है एलिमिनेशन। दोस्तों हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एंजल्स को हराना और उनको डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि दोस्तों यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया तब पर भी दोस्तों वो यूनिवर्स के एंजल्स को कुछ नहीं होता है। पर दोस्तों यहाँ पर एंजल्स को अगर किसी का डर रहता है तो वो ज़ेनो है। यहाँ पर दोस्तों ज़ेनो ही एंजल्स का एक ऐसा एनिमी है जिनको एंजल्स कभी भी डिफीट नहीं कर सकते हैं। ये ज़ेनो के अलावा हम फिर से ज़ेनो को भी देख चुके हैं जो कि दोस्तों फ्यूचर में सब कुछ मिटा चुका है। यहाँ तक कि दोस्तों एंजल्स को भी वो मिटा दिया था। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ड्रैगन बॉल सुपर देखे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि उसके फ्यूचर टाइमलाइन में ज़ेनो फ्यूचर ट्रंक्स और मे ही बचे थे। और दोस्तों इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ज़ेनो एंजल्स को भी एलिमिनेट कर सकता है। लास्टली दोस्तों एंजल्स को ये सब सोच के अच्छी तरीके से रहना होता है कि कहीं ज़ेनो उनको एलिमिनेट ना कर दे। तो दोस्तों यही था एंजल्स के कुछ स्ट्रेंज रूल्स और कुछ इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। दोस्तों आपको कैसा लगा और कौन सा पॉइंट यानी रूल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।